गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग कॉलगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? कॉलगेटिव प्रॉपर्टी का ही पार्ट होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज जानते ही हैं, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द पार्टिकल, नेचर ऑफ द सॉल्यूट। नहीं, तो यहीं से शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स and not depend on नेचर ऑफ द सॉल्यूट। के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। 1 ग्राम ग्लूकोज का जितना होगा कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज, उतना ही 1 ग्राम यूरिया का भी होगा, 1 ग्राम सुक्रोज का भी होगा, चूँकि ये सब मोलेकुल में डिसोसिएट होता है। कहता है दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल एंड नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। There are four types of colligative properties। हम लोग क्या क्या पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में भी पढ़े थे, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है। देखिए, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए। दूसरा आज पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये सब मेरा क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये सब क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है।
कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आज क्या पढ़ेंगे, सेकेंड पढ़ेंगे, उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद फोर्थ पढ़ेंगे, फिर तब हम लोग पढ़ेंगे भांट ऑफ फैक्टर। तो आज हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे इस वाले वीडियो में भी, जब रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहला जो है क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में एक टर्म आया बॉइलिंग पॉइंट, पहले के भी वीडियो में। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे, बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes क्या लिखे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes इक्वल टू, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब तक 1 एटमॉस्फेयर तक नहीं पड़ता है, तब एटमॉस्फेयर का प्रेशर वेपर पे बना रहता है। जब इसको बॉयल करना कब समझिएगा, जब थोड़ा ज़्यादा हो जाए, जैसे ये वेपर बन रहा है, ये लिक्विड है, ये तो वेपोराइज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इधर से लग रहा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। जब इक्वल टू हो जाए या ज़्यादा हो जाएगा तब तो बॉयल होते रहेगा। कम से कम कंडीशन है कि इक्वल टू होना चाहिए, यानी क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर then this condition is called boiling point of that liquid. Vapor pressure equal to atmospheric pressure, then that condition is called boiling point of that liquid. Boiling point of
पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड का अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, समझे ना, अलग अलग होगा। तो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए तब हम लोग समझेंगे। जैसे जिस लिक्विड लिए, जो लिक्विड लिए उसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, तो अब हम लोग को पढ़ना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ना है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब। अब देखिए, कोई लिक्विड लिए, मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट है, इसका अपना कुछ वेपर प्रेशर है। जब इसमें लिक्विड में सॉल्यूट डाल दिए, ठीक है, जब इसमें सॉल्यूट मतलब शुगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, तो वेपर प्रेशर कुछ घट गया। ये हम लोग राउल्स लॉ से ही पढ़ रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन बन गया। तो इसका वेपर प्रेशर कुछ घट जाता है। घटा तो एक ग्राफ हम लोग खींचते हैं। अब वेपर प्रेशर इसका मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट का कि इसका ले लेते हैं लेट बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं तो इसे भी लिखते हैं व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट When a non-volatile solute dissolve in pure solvent, क्या लिखे? When a volatile solute dissolve in pure solvent, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज देन हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज। अब जैसे देखिए, अब फिर बॉयल करना है उसको तो उतना ही वेपर देना है, तो बॉयल करना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर तो लाना ही है। ये क्लोज करने के केस में नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाना है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके इक्वल लाना है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाना है तो बॉइलिंग टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, कुछ बढ़ाना पड़ेगा, तभी पीडीए क्या हो जाएगा? वेपोराइज होगा, नहीं इंक्रीजेज। द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट
द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या के प्योर सॉल्वेंट लिए तो व्हेन इज नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस जैसे उसमें देंगे तो देखते होंगे चाय खोल रहा है जैसे शुगर डालते हैं वेपर प्रेशर घट जाता है खोलना बंद हो जाता है तो यहाँ पर वही लिखे हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिक्रीजेज हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज ठीक है द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अब लेट बॉइलिंग पॉइंट को बीपी से डिनोट करते हैं अच्छा लिख देते हैं एक बार लेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज टी नॉट हम लोग हर जगह यही यूज करते हैं टी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी से हो गया बॉइलिंग इज टी नॉट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज TBS तो एलिवेट कितना किया ज्यादा में कब तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया TBS - TB0 इसी को लेते हैं ΔTB इसको क्या लेंगे ΔTB ठीक है अब देखिए वेपर प्रेशर और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर के बीच इधर लेते हैं वेपर प्रेशर इधर लेते हैं टेम्परेचर हम लोग पढ़े थे कि टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर क्या होता है इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है और कब वेपर प्रेशर कब बॉइलिंग टेम्परेचर समझाएंगे जब वो 1 atm के बराबर हो जाए 1 atm के बराबर हो जाए तो मान लीजिए ये प्योर सॉल्वेंट का है ये क्या है प्योर सॉल्वेंट का है प्योर सॉल्वेंट का है ठीक है सॉल्यूशन का जब भी होगा तो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो सॉल्यूशन का नीचे से ग्राफ खींचिए ये है आपका 1 atmosphere का ठीक है तो ये जो हुआ टेम्परेचर यही हुआ बॉइलिंग टेम्परेचर ये किसके लिए है प्योर सॉल्वेंट के लिए तो ये टी नॉट लेते हैं
और इसके लिए सॉल्यूशन के लिए क्या लिए हैं, इसको नीचे थोड़ा लिखिए आप। देखिए ये टेम्परेचर है इधर, टेम्परेचर जब ग्राफ खींचेंगे तो ये टी नॉट है, टी बी नॉट, ये टी बी एस है, सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन का कुछ क्या हो गया, ग्राफ ज़्यादा हो गया, ये हो गया सॉल्यूशन। ये जो ग्राफ शो कर रहा है किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। तो यही जो डिफरेंस हुआ, यही डिफरेंस इस जगह का क्या कहलाएगा, डेल्टा टी बी। ये क्या हो जाएगा, छोटा ग्राफ बन गया क्या, थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाते हैं, रुकिए हटता नहीं। देखिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींच रहे हैं लोग। वेपर प्रेशर वन एटमोसफेयर पर जब आता है तभी हम लोग बोलते हैं बॉयल हुआ वन एटीएम पर। तो वन एटीएम पे मान लीजिए ये ग्राफ हम लोग पहले से पढ़े हैं, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का ग्राफ जो होता है, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का ग्राफ इस तरह से चलता है। तो ये हो गया प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। अब सॉल्यूशन का ग्राफ थोड़ा प्रेशर घट जाएगा, इस तरह से होगा। तो ये जो है मेरा बॉइलिंग यही ना हुआ, बॉइलिंग टेम्परेचर टी बी नॉट, ये जो हो गया बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ टी बी एस। तो ये जो है डेल्टा टी बी, ये है डेल्टा टी बी, यही डेल्टा टी बी है, टी बी एस माइनस टी बी नॉट। ये किसका ग्राफ हुआ, ये सॉल्यूशन का ग्राफ। अब और ज़्यादा मान लीजिए सॉल्यूट डालेंगे तो और नीचे होते जाएगा ग्राफ, वो तो डिपेंड करेगा उसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ते जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफ। अब पढ़ते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक्सपेरिमेंट हैव शोन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, डेल्टा टी बी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहता है, एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेरिमेंट हैव शोन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी क्या हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। एक ये दिया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तब आगे लिखते हैं। देखिए हम लोग पढ़े डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी एम, तो
इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। एम क्या होता है हम लोग पढ़े थे पहले ही, डेल्टा टी बी के बी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलालिटी क्या होता था, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता था नहीं? तो ये डेल्टा टी वी निकल गया। तो वेयर डेल्टा टी वी तो पहले से जान रहे हैं, डेल्टा टी वी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। के बी क्या है, के बी है मेरा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, या इसी को बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, सब नाम है जो याद रखिए, या इसी को बोला जाता है इवोल्यूस्कोपिक, इसको बोलते हैं इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। ये आपको जनरली दिया रहेगा, नहीं दिया रहता है तो एक निकालने का भी तरीका होता है, ये जनरली तो अभी तो आपको दिया रहेगा, अगर नहीं दिया हुआ है तब इसका निकालने का तरीका है, ठीक है। इसका निकालने का तरीका देखिए क्या है, इसका निकालने का तरीका है ये जो होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये जो है एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट का करैक्टर है, ठीक है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये क्या है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, अगर दिया हुआ है तब तो डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा, सब दिया रहेगा, कर देना है। अगर ना दिया रहे तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या होता है, पार्टिकुलर लिख दीजिए, अलग अलग के लिए अलग होगा, पार्टिकुलर सॉल्वेंट का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। एंड कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटेड बाय थर्मो
डायनामिकल रिलेशन, थर्मोडायनामिकल रिलेशनशिप। मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर सॉल्वेंट एंड कैलकुलेटेड बाय थर्मोडायनामिकल रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप दिया है क्या, के बी निकालना है। के बी इक्वल टू होता है आर टी बी स्क्वायर इंटू एम बाय आर तो है 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। हम लोग बॉइलिंग के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ डेल्टा एच क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या क्या है, आर जो है के तो लिखिए लिए हैं, क्या है आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और ये जो है, अब अगर हम लोग चार वैल्यू पढ़े थे इसका, अगर ये जूल वाला में जनरली यूज होता है तो आर का वैल्यू 8.314 इंटू 10^10 जूल पर मोल पर केल्विन पढ़े थे, या इसका यूज होगा 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। आर का जनरली यही यूज होता है। ठीक है, आर का। और एम जो है यहाँ पर, एम ये है मोलर मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टीबी क्या है, टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको लेंगे हम लोग इन केल्विन में लेंगे। ठीक है, टीबी नोट कर दीजिए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का हम लोग यूज करते थे टीबी नोट, ना टीबी नोट का स्क्वायर होगा। टीबी नोट दे दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऐसे ही पता चल जाएगा ना। और डेल्टा एच वेपोराइजेशन है। डेल्टा एच क्या है, ये इन्थैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होता है। ठीक है, और देखिए डेल्टा एच वेपोराइजेशन ऐसे भी निकालते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इंटू एम। एल क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, डेल्टा एच भी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। इन्थैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन तो डेल्टा हो सकता है, लेटेंट हीट दे उसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए पॉइंट क्या क्या याद रखना है, इसमें मोलर मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, डेल्टा टी वी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन लेंगे, डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या है, इन्थैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अगर इन्थैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन नहीं दिया हो तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया रहेगा। ठीक है,
ठीक है, और मोलर मास तो जानते ही रहेंगे। इस तरह से हम लोग इस फार्मूला का यूज करके भी के बी का वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर ये सब दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ हो डेल्टा टी बी तब, ठीक है। इस तरह से हम लोग पढ़े एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल बना लेते हैं तब क्लियर होगा। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, थ्योरेटिकल पार्ट इस अब इतने हैं पढ़ने के लिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल कुछ बना लेते हैं, ठीक है। तो सब सॉल्वेंट का के भी अलग अलग होता है, वो डेल्टा एच वेपोराइजेशन अलग अलग होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब पढ़ते हैं। देखिए कहता है 0.5 ग्राम सब्सटेंस डिजॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है 15 ग्राम, सॉल्वेंट है इसमें डिजॉल्व किया कितना 0.15 ग्राम। सब्सटेंस मतलब सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूट। बॉइल्ड एट टेम्परेचर हाइयर बाय इतना, मतलब इतना बढ़ गया तो डेल्टा टी बी कितना हो गया, डेल्टा टी बी हो गया 0.216 डिग्री दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से इतना डिग्री वो हाइयर हो गया, ठीक है। तो डेल्टा टी बी हो गया। व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, के बी दिया हुआ है 2.16 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको कोई जरूरी डेल्टा टी बी दिया रहे तो उसको चेंज नहीं करना रहता है, क्योंकि वो तो डिफरेंस मान लीजिए इसमें भी 273 ऐड कर दीजिएगा, उसमें दोनों में ऐड करना पड़ेगा, ये डिफरेंस दिया हुआ है। इसलिए डिफरेंस वाला में हम लोग इसको केल्विन में मत चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा फिर। ये डिफरेंस है दिया हुआ, तो हम लोग क्या पढ़े हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। यही पढ़े थे, डेल्टा टी बी दिया हुआ है देखिए, और 0.216 दिया हुआ है, के बी दिया हुआ है 2.16 दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट है 0.15 है इंटू 1000 बाय मोलिकुलर वेट है 15 ग्राम इंटू ये वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट निकालना है, एम सॉल्यूट निकालना है इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट है 15 ग्राम, देखिए। और तो एम सॉल्यूट इधर आ जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इधर ले आए तो क्या हो गया 2.16 इंटू 0.15 इंटू 1000 बाय 0.216 इंटू 15, ये 100 से कट गया, ये भी कितना से 10 से कट गया, 2 है तो 10 हो गया, ये 10 से ये कट गया, ये से ये कट गया, यानी 100 ग्राम मोलिकुलर वेट है इसका। एकदम आसान क्वेश्चन था नहीं, ये 100 ग्राम मोलिकुलर वेट हो गया, ठीक है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, दूसरा बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन है द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या हो गया सॉल्यूट, वेट ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, ग्लूकोज है दिया हुआ 1.8 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज हम लोग निकालते हैं, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट लेते थे फार्मूला में, तो मोलिकुलर वेट ऑफ
ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसका मॉलिकुलर वेट हो जाता है 180 ग्राम। ठीक है, 1.8 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट है 100 ग्राम। ठीक है, राइज इन टेम्परेचर 0.1 डिग्री। डेल्टा टी भी कितना दिया हुआ है? 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट? के बी का वैल्यू करना है। हम लोग क्या पढ़े हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू वेट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूट यही है इंटू 1000 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज लेते थे, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज। मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टी वी दिया हुआ है 0.1, के बी निकालना है। वेट ऑफ ग्लूकोज 1.8 इंटू 1000 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है? 180 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट है 100, 20 इससे कैंसिल हो गया, ये 100 से कैंसिल हो गया तो ये 0 कट गया। के बी बराबर कितना निकल गया? 10 इंटू 1 हो गया, 1 क्या लेते थे के बी? मोलालिटी, मोलालिटी होता है, मोलालिटी होता है मोल पर के जी, के जी ऊपर चला गया, केल्विन के जी पर मोल, केल्विन 1 तो लिखना है ना, ये हो गया के बी इक्वल टू 1 केल्विन के जी पर मोल, यही लेते थे इसका यूनिट। क्लियर हो गया, ये हो गया। और एक दो को बनाते हैं, देखते हैं आईआईटी वगैरह का। देखिए क्वेश्चन कहता है सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5042 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस डिजॉल्व इन इतना ग्राम बेंजीन, बेंजीन में डिजॉल्व हो रहा है, बॉयल्स एट 80.175 डिग्री सेंटीग्रेड, तब बॉयलिंग टेम्परेचर इतना है सॉल्यूशन का हो गया चूँकि उसमें डाल दिया है। फाइंड मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन दैट बेंजीन बॉयल्स एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 80 डिग्री है बेंजीन मतलब प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का इतना है तो डेल्टा टी भी निकाल लेंगे। एंड इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है 94। तो देखिए के बी नहीं दिया हुआ है तो के बी हम लोग निकालेंगे, डेल्टा एच वेपोराइजेशन भी नहीं दिया हुआ है तो लेटेंट इंटू लेटेंट हीट इंटू मोलिकुलर वेट लेंगे। हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट है आपको कितना दिया हुआ 0.5042 ग्राम, और इतना ग्राम डिजॉल्व इन इतना ग्राम ऑफ बेंजीन, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ क्या है, सॉल्वेंट है बेंजीन, बेंजीन है इसका कितना दिया है 42.02 ग्राम। ठीक है, एट बॉयल्स एट इतना डिग्री सेंटीग्रेड तो टी बी एस कितना है सॉल्यूशन का 80.175 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी बी नॉट कितना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, राइजेशन है 94 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है,
इतना चीज़ दिया हुआ है, इससे हम लोग पहले डेल्टा टीवी निकालते हैं। डेल्टा टीवी कितना हो जाएगा, टीबीएस माइनस टीबी नॉट, तो 80.175 माइनस 80, तो ये कितना हो गया 0.175 डिग्री सेंटीग्रेड, ये निकल गया। केबी क्या होगा, केबी क्या पढ़े थे हम लोग, केबी पढ़े थे आर टीबी नॉट का स्क्वायर, यही था एम बाय 1000। डेल्टा एच भी पढ़े थे, वेपोराइजेशन, डेल्टा एच भी नहीं दिया हुआ है, तो लेटेंट हीट इनटू मोलेकुलर वेट लेते थे, इसको चेंज कीजिए आर टी बी नॉट स्क्वायर एम बाय 1000 इंटू एल वेपोराइजेशन इंटू एम, एम एम कैंसिल हो गया, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बचा क्या आर, आर कैलोरी में कितना लेंगे, कैलोरी पर ग्राम में दिया टू, डेल्टा टीवी केल्विन में लेना पड़ेगा, डेल्टा टीवी नॉट ये बराबर कितना हो जाएगा 273 प्लस 80 353 केल्विन हो गया, तो आर हो गया आपका 2 × 353 का होल स्क्वायर बाय 1000 × 94, इसको सॉल्व करने पर ये 26.1 आया। केवी क्या होता है, केल्विन केजी पर मोल, ये निकल जाएगा केल्विन केजी पर मोल होता है इसका यूनिट। अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है, निकालना है फाइंड आउट मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, के भी निकाल लिए। अब हम लोग मोलिकुलर वेट वाला डेल्टा टी वी बराबर क्या पढ़े थे, डेल्टा टी वी के बी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, यही निकालना, मोलिकुलर वेट निकालना, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यही निकालना है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही निकालना है। डेल्टा टी वी हम लोग निकाल लिए 0.175, के बी निकाल लिए 26.1, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 0.5042 इंटू 1000 बाय मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, यही है बेंजीन का 42.02। तो मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना निकल गया, मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना निकल गया 26.1 इंटू 0.5042 इंटू 1000 बाय 0.175 इंटू 42.02। तो इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, सॉल्व करने के बाद ये करीब करीब कितना आया, मोलिकुलर 171 ग्राम आ गया इसका, इसका जो मोलिकुलर वेट निकला ये निकल गया 171 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी,
इसका न्यूमरिकल भी हर पैटर्न का ये नहीं दिया हुआ रहता है तो कैसे निकालते हैं, ये भी निकाल ली। और इसमें दो ही फार्मूला है, इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर डेल्टा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे, फिर जब हम लोग पढ़ लेंगे भांट ऑफ फैक्टर तब फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमरिकल बनाएंगे। अभी तत्काल इतना सफिशियंट है, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड को लिंक शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर विज थैंक यू।